तो मैं हूँ शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का छिलका, जिसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बड़ों को भी। आप नाश्ता में, शाम के समय या स्नैक्स के टाइम पे भी आप इसे बना सकते हैं या बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है। अब हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज वो इसमें डालेंगे, छोटे टुकड़ों में इस तरह से कटा हुआ हरा मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार हरा मिर्च लीजिएगा जैसा झाल आप खाते हैं, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे पानी से, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि गैस पे तवा गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमने गैस पे तवा बैठा दिया है, जब तक ये गर्म होता है तब तक हम इस बेसन को घोल लेते हैं। ये देखिए, हम इसे इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस बेसन के घोल को तैयार करेंगे। ये देखिए, ये अभी मोटा है, इसमें और पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा पतला बन सके। देखिए, इस तरह से इसे मिलाते जाना है अच्छे से। तो ये देखिए, अब ये घोल बनकर अच्छी तरह से तैयार है। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं घोलना है, ऐसा कि जब हम तावा पे डालें तो वो अच्छे तरह से मिल पाए, घोल हो पाए। ऐसा तावा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह से, आप रिफाइन या सरसों तेल, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से इसमें डाल करके इसे अच्छे से तावा में मिला लीजिएगा। तो देखिए, हमने तेल को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इस बैटर को इसमें डालेंगे और इसे हाथों से, या तो आप हाथ से ऐसे फैलाइए या फिर आप तवा को ऐसे रख करके भी इसे इस तरह से फैला सकते हैं, गोल कर लीजिए। और जब ये एक साइड से पक जाएगा ना, तब हम इसे पलटी करके फिर पकाएंगे। तो ये देखिए, अब ये पीछे साइड से पक चुका है। इसे हम धीरे धीरे इस तरह से पहले चारों तरफ से इसे इस तरह से उठा लेंगे, नहीं तो एक बार उठाएंगे ना तो ये टूट जाएगा। अब हम इसे पलटी कर देते हैं। देखिए, इस तरफ से कितना अच्छा ब्राउन होके सेका चुका है। अब उस साइड से भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो देखिए, अब हम इसे पलटी करते हैं। देखिए, इस साइड से भी अच्छे से पक चुका है। इसी तरह से हमें सारे बेसन के घोल को बना लेना है। तो अब हम इसे तवा से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये बेसन का छिलका बनकर तैयार है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।